अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको राजमा यानी सुरख लोबिया पकाना सिखाने जा रही हूँ। सुरख लोबिये को रात को पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद उसको 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ दें। और इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी पाउडर आधी चम्मच, एक चम्मच नमक, एक चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 2 चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच सूखी मेथी, आधी चम्मच अजवाइन और 5 से 6 जुए लहसुन के। सबसे पहले पैन लेकर इसमें लोबिया डाल दें यानी राजमा डाल दें। इसके बाद लहसुन की पेस्ट शामिल करें, अदरक की पेस्ट शामिल करें, सूखी मेथी, अजवाइन, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें एक जग पानी का डाल दें। पानी इतना डालें कि इसमें लोबिया सुरख डिप हो जाए और पानी कुछ की सतह थोड़ी सी ऊपर रहे ताकि लोबिया इसमें अच्छी तरह गल जाए। कुकर का ढकना लगाकर 20 से 25 मिनट वेट को हिलने दीजिए। जब 20 से 25 मिनट हो जाएं तो कुकर को खोलकर चेक कर लें कि लोबिया गल गया है या नहीं। इसके बाद एक पैन लें, उसमें कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लें। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर लहसुन के जुए जो 4 से 6 थे उनको बारीक काट कर तड़का लगाने के लिए कुकिंग ऑयल में शामिल कर दें। लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने के लिए कुकिंग ऑयल में मिक्स करें। 1 से 2 मिनट में लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसका तड़का लोबिये को लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार राजमा तैयार हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें।